Hello angels, welcome to my channel Is an Angel Fanfiction Explained in Hindi. Today I am going to start a new fanfiction. The name of the fanfiction is Let Me Be Your Armor. This is written by Alyssa Miao. You can find her in Twitter in the same name. Her AO3 name is Amused85. I will give the fanfiction link in description. Thank you Alyssa. चलिए दोस्तों, आज मैं एक नया फैनफिक्शन स्टार्ट करने वाली हूँ. इस फैनफिक्शन का नाम है लेट मी बी योर आर्मर. ये ना एक वन शॉट फैनफिक्शन है, मतलब कि जो ऑथर है उन्होंने एक चैप्टर में ही इस फैनफिक्शन को एक स्टोरी जैसा लिख के कंप्लीट किया है. ये जो फैनफिक्शन है ना, ये थोड़ा सा डार्क थीम के ऊपर है. इसमें कुछ चीज़ें थोड़ी सी डार्क होंगी, ठीक है. वो क्या होंगी वो आप स्टोरी में आगे देखोगे, है ना. इस फैनफिक्शन में जो वांग यीबो रहेंगे वो एक प्रिंस के गार्ड हैं, मतलब जो प्रिंस के जो सैनिक होते हैं ना उनके टीम के कैप्टन हैं. और जो वांग यीबो हैं वो ज़ाओज़न से 6 ईयर्स नहीं बल्कि 3 ईयर्स छोटे हैं, ठीक है. और जो ज़ाओज़न है वो इसमें प्रिंस हैं, क्राउन प्रिंस हैं एक कंट्री के. तो चलिए हम स्टोरी को स्टार्ट करते हैं. ज़ाओज़न ना जो क्राउन प्रिंस हैं वो सोए हुए होते हैं, तभी ना कोई अचानक से उनके मुँह में हाथ रख देता है. और मतलब होता है ना, उनका ये हाथ रखने की वजह से वो घबरा के उठ जाते हैं, मतलब उनकी आंखें खुल जाती हैं उसकी, मतलब होता है ना टच से. और उनके कानों में एक आवाज़ गूंजता है कि योर मैजेस्टी, हमें अभी भागना पड़ेगा यहाँ से, हमें यहाँ से अभी निकलना पड़ेगा. और मतलब जो क्राउन प्रिंस उठे हुए होते हैं ना, अभी पूरी तरह से डार्कनेस को देख नहीं पा रहे होते क्योंकि पूरा अंधेरा होता है. और अभी बस नींद से उठे हैं, थोड़ा सा कन्फ्यूज्ड भी होते हैं कि क्या हो रहा है, कौन क्या बोल रहा है. और मतलब वो आवाज़ जो सुनाई देता है कि योर मैजेस्टी, हमें अभी भागना पड़ेगा, उसमें ना वो थोड़ा सा समझ जाते हैं कि ये ईबो है जो उनका कैप्टन जो होता है ना, पर्सनल गार्ड का कैप्टन है. तो वो वाई बोलते हैं, मतलब ईबो बोलने ही वाले होते हैं, तो फिर उसको चेंज करके बोलते हैं कैप्टन. ये बोल के ना अपनी आँखें ऐसे मीच के अंधेरे में देखने का कोशिश कर रहे होते हैं कि उनको कुछ दिखाई दे. और मतलब जो भी होते हैं ना, वो देखने का जब कोशिश कर रहे हैं, इसी बीच में जो कैप्टन वांग यीबो होता है वो उनके एकदम कान के पास आके, उनके लिप्स को एकदम कान से चिपका के, एकदम फुसफुसा के धीरे स्वर में बोलता है कि आप डेंजर में हैं मेरे प्रिंस, हमें अभी यहाँ से निकलना होगा. और ये सुन के ही ज़ाओज़न का जो होता है ना गला मुंह पूरा सूख जाता है उसको. मतलब ऐसा सोच में लगता है, वो सुनते ही उसके दिमाग में ये सब थॉट चलने लगते हैं कि क्या हमारे पैलेस को किसी ने इन्वेड कर दिया है, हमारे पैलेस को किसी ने कब्जा कर लिया है क्या. क्योंकि क्या होता है ना, रिसेंटली जो नॉर्थ साइड के जो एरियाज़ हैं वहाँ पर टैक्स बढ़ाया गया था, और जो उस साइड के आसपास के कंट्रीज़ हैं ना वो सब ना ज़ाओज़न की कंट्री को भी इसमें इन्वॉल्व करना चाहते थे. होता ना जो टैक्स बढ़ाया गया है ये सब है कि आप लोग भी बढ़ाओ, ये सब भी करो. पर जो ज़ाओज़न के पेरेंट्स होते हैं ना वो इस चीज़ में इन्वॉल्व होने से साफ साफ मना कर देते हैं. और इसके वजह से क्या होता है ना, जो कैपिटल में रहे हुए लोग हैं, जो कैपिटलिस्ट हैं, जो राजधानी में रहते हैं, बड़े बड़े लोग हैं ना, वो थोड़ा सा किंग के खिलाफ प्रोटेस्ट भी कर रहे थे. पर इतना कुछ नहीं था कि ज़ाओज़न को लगे कि वो अभी अटैक ही कर देंगे. इसलिए ज़ाओज़न कन्फ्यूज होता है कि किसने किया है. वो कुछ बोलने के लिए मुंह खोलता है ज़ाओज़न, जो प्रिंस ज़ाओज़न है वो बोलता है आई डोंट अंडरस्टैंड को आगे कंप्लीट ही करे उससे पहले ना एक ठंडा सा फिंगर उसके लिप्स को प्रेस कर देता है. और उसके कान में ना एक कोल्ड वॉइस सुनाई देता है, यानी कि वांग यीबो उसके कान में एकदम गहरी आवाज़ में बोल रहे होते हैं कि ट्रस्ट मी योर हाइनेस, मुझ पर विश्वास कीजिए. और जो वांग यीबो का आवाज़ सुन के ना ज़ाओज़न जो होते हैं वो, मतलब जो भी होता है ना, वो जो बात बोलने वाले होते हैं उस बात को नहीं बोलते हैं और ना अपने फेस को ऐसा हिलाते हैं. और उसके बाद जाके ना, मतलब फिर उनको समझ में आता है कि अरे ये तो अंधेरा है, इतना उनको उनका फेस जो है दिखाई नहीं देगा किसी का, उनका मतलब गला हिलाना, हाँ बोलना. तो इसीलिए ना वो आवाज़ के साथ फिर दोबारा बोलते हैं ओके ओके बोल के ना, जैसे ही बेड से उठ रहे होते ना, तो देखते हैं उठ नहीं पा रहे क्योंकि कुछ चीज़ ने उसको पकड़ के रखा है. फिर उनका ध्यान आता है कि जो वांग यीबो हैं उन्होंने ना ज़ाओज़न के रिस्ट को, हाथ के कलाई को एकदम टाइटली पकड़ रखा है. और जैसे ही ज़ाओज़न उठने की कोशिश करते हैं, ईबो को भी रियलाइज़ होता है कि उन्होंने पकड़ रखा है प्रिंस को, तो इसलिए उसके अपने हाथों से उसको छोड़ देते हैं.
और जब जावजन उठते हैं बेड से तो वो अपने हाथों को मतलब ऐसे सहलाते हैं और सोच रहे होते हैं इतना टाइट से पकड़ा है ज़रूर यहाँ पे निशानी छूट जाएगी। पर इतना कुछ सोचने का टाइम नहीं होता है क्योंकि तुरंत ही उनको कपड़े पहन के निकलना होता है। तो वो क्या करते हैं, अंधेरे में ही जितना जल्दी पॉसिबल हो सके अपने कपड़े चेंज करते हैं। और कपड़े जब चेंज कर रहे होते हैं ना, वो समझ पाते हैं कि ये कपड़े जो उनके यूजुअल जो प्रिंस वाले कपड़े हैं ना, जो फॉर्मल वेयर एज ए प्रिंस एज ए क्राउन प्रिंस वो पहनते हैं, वो बिल्कुल ही नहीं है। ये कुछ डार्क कलर का कपड़ा है, इसलिए उस कलर कपड़े का कलर ना उनको दिखाई नहीं दे रहा है, डार्क या डार्क ब्राउन ऐसे कलर का कपड़ा होगा। और ये जो है ना थोड़ा लूज़ मटेरियल है और मतलब जो यूजुअल कपड़े से बिल्कुल अलग कपड़ा है। तो वो समझ पाते हैं कि ईबो ने इसको प्रिपेयर किया होगा, है ना। और फिर वो पहन रहे होते हैं, पहनते पहनते सोच रहे होते हैं कि उनकी बचपन में ना उनके कपड़े हमेशा गंदे हो जाते थे, खेलते रहते थे, तो उनकी माँ ना हमेशा उनको डांटती थी, बोलती थी कि एक प्रिंस को प्रिंस जैसा रहना चाहिए, प्रिंस जैसा दिखना चाहिए ना। पर जावजन ना इस चीज़ को इतना ध्यान नहीं देते थे, उनके एम्ब्रॉयडरीज महंगे महंगे कपड़े गंदे हो जाते थे, वो गंदे कपड़ों में छोटे बच्चे कैसे होते हैं, खेलते रहते थे, इतना ध्यान नहीं देते थे कि मैं प्रिंस हूँ, मेरा एक ऑरा होना चाहिए, वो सब चीज़ें ना कभी ध्यान नहीं देते थे। जो अभी ये सोच रहे हैं ना कि मैं चेंज कर रहा हूँ, ये प्रिंस का कपड़ा नहीं है, इतना फॉर्मल कपड़ा नहीं है। फिर क्या होता है ना, बचपन में उनके साथ एक ऐसा इंसिडेंट होता है, एक ऐसा दिन आता है कि मतलब उसके बाद से ना सब कुछ चेंज हो जाता है। और मतलब क्या होता है कि जाओजान को उस दिन लाइफ का एक बहुत बड़ा लेसन पता चलता है कि जब रॉयल्टी में आप पैदा होते हो, आप एक किंग प्रिंस ऐसे मतलब पोजीशन में होते हो, तो आपको बहुत कुछ का पे प्राइस मतलब प्राइस का पे मतलब करना पड़ता है, ठीक है, बहुत कुछ खोना पड़ता है लाइफ में, है ना। और ये जो खोते हैं ना, ये चीज़ें हमेशा आप खुद नहीं खोते हो या खुद नहीं पे करते हो, कई बार ना आपके अपने जो आपके नज़दीकी लोग होते हैं ना, उनको आपकी तरफ से ना कीमत चुकानी पड़ती है। क्योंकि जो प्रिंस होना या रॉयल्टी में पैदा होना, ये एक बोलते हैं ना एक लक है, गुड लक है, पर उसका बहुत बड़ा प्राइस भी है। अब क्या इंसिडेंट होता है ये हमको स्टोरी में आगे पता चलेगा। जो भी हो, जब कपड़े पहनना फिनिश कर चुके होते हैं और ना फिनिश करके वो उस तरफ बढ़ने लगते हैं जिस तरफ एक कोने में ना जो उनका प्रिंस का गार्ड खड़ा था, यानी कि कैप्टन वंग वो खड़े थे। जैसे ही बढ़ते हैं वो कैप्टन वंग बोल के आई एम रेडी है, आई एम रेडी मतलब ये बोलने ही वाले होते हैं ना, उससे पहले जो है उनका हाथ जो है, जो कैप्टन है, कैप्टन वंग है, वो पकड़ लेते हैं और पकड़ के ना एकदम फास्ट फास्ट ना विंडो की तरफ भागने लगते हैं। ये विद इन कुछ सेकेंड ही हो रहा था ये सब चीज़ें, और इससे जावजन बिल्कुल कंफ्यूज हो जाते हैं, बोलते हैं वेट क्या है। और ये बोल के ना वो दरवाजे की तरफ देखते हैं और देखते हैं ना दरवाजे की तरफ कोई साउंड तो नहीं आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा है, तो हम दरवाजे से क्यों नहीं जा रहे हैं। फिर वो सोच रहे थे क्या पता कैसल जो है, महल जो है, ऑलरेडी मतलब कब्जा कर लिया गया है, पूरी तरह से इन्वेट कर लिया गया है, इसीलिए तो इतना सब कुछ शांत है। और ये जो शांति जो बाहर सुनाई दे रही होती है ना, ये बहुत ज़्यादा ही मतलब डरावनी होती है। और जावजान जो है ना इमेजिन करने लगते हैं कि बाहर इस दरवाजे के बाहर, उनके रूम के दरवाजे के बाहर चारों तरफ ना डेड बॉडीज ऐसे बिछी हुई होंगी और खून की नदियाँ बह रही होंगी और महल के ना एक्सपेंसिव कारपेट्स और जो भी है ना उन सबको पूरा भिगा दिया होगा, वो ये सब इमेजिन कर रहे होते हैं। और जैसे ही विंडो के पास आते हैं, पहुँच जाते हैं, वांग इबो जो है ना वो जावजान के कान में फिर से फुसफुसा के बोलते हैं कि हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है योर मैजेस्टी। और मतलब ये जब बोल रहा होता है ना वांग इबो, तो वो एकदम ना जावजान के पीछे एकदम एकदम मतलब ना चिपक के बॉडी से खड़े हुए होते हैं। और जो गार्ड का जो मतलब जो वांग इबो हैं उनका हार्ट चेस्ट ना पिंस के यानी कि जावजान के पीठ से ऐसे चिपका हुआ होता है, और वो जो बोल रहे होते हैं ना कानों में एकदम धीरे धीरे बोल रहे होते हैं ताकि आवाज़ बाहर ना जाए। तो जावजान ना थोड़ा सा मतलब होता है ना थोड़ा सा अभी वो कॉन्शियस हो गए हैं इस चीज़ को लेके, क्योंकि एक तो अंधेरा है, ऊपर से थोड़ा डरावना माहौल भी है। तभी उनको महसूस होता है ना कि उनके कमर में किसी ने ऐसा हाथ रैप किया है पीछे से, मतलब कि वांगीबो ने जो पीछे खड़े थे उन्होंने अपने हाथ आगे बढ़ा के उनके पेट में हाथ ऐसे पकड़ा है और मतलब कमर को ऐसे अपने बाहों में ले लिया है। इस टच से ना जावजान सच में एकदम स्टिफेंट हो जाता है, और क्योंकि उनको एक तो एक क्राउन प्रिंस है, ऊपर से ऐसे मैन भी उनको कभी किसी ने ऐसे टच नहीं किया है, और इतना इंटीमेटली यानी कि पेट से बॉडी से ऐसे टच तो बिल्कुल ही नहीं किया है। और फिर जावजन उसको प्रोटेस्ट करते हैं कि मुझे पकड़ के कहाँ लेके जा रहे हो, बोलने के लिए अपना मुंह खोलते हैं कि मैं क्या कर मतलब ऐसा बोल ही रहे होते हैं,
उनकी बात को फिर से इबो जो है ना काट देते हैं, और काट के उनको बिल्कुल खिड़की के पास ले जाते हैं। और जावजान तब देखते हैं जो तो चांद की रोशनी हल्की हल्की सी आ रही होती है ना, बहुत ज़्यादा रोशनी नहीं होती, हल्की हल्की रोशनी आ रही होती है, उसमें देखते हैं कि एक रस्सी ना ऑलरेडी लटकी हुई है वहीं पे खिड़की में। और ये देख के ना जाओजान को थोड़ा सा आंखें बड़ी हो जाती हैं, और वो समझ पाते हैं कि मतलब अब हमको ये रस्सी के सहारे नीचे कूद के जाना है, नीचे मतलब लटक के जाना है। अभी वांग इबो जो है ना कान में बोलते हैं जाओजान के कि हमें अभी निकलना पड़ेगा, ये बोल के ना वो आगे जाते हैं रस्सी की तरफ, और बोलते हैं कि पहले मैं जाता हूँ फिर आप मेरे पीछे आइएगा मेरे प्रिंस, बोल के ना वांगी वो जितना जल्दी हो सके जंप करके रस्सी के सहारे नीचे आ जाता है। और नीचे आके वो रस्सी के नीचे वाले एंड पॉइंट को पकड़ता है और बोलता है कि अब आ जाइए प्रिंस और जल्दी आइए। अब जो जाओजन होते हैं ना एक लंबी सी सांस लेते हैं लेके ना जो इबो को मतलब उतना नीचे फॉलो करने लगते हैं। और अब उनको धीरे धीरे ना बाहर कुछ आवाज़ भी सुनाई दे रहा था दरवाजे के बाहर, और कुछ हल्की फुल्की ना लाइट्स भी दिखाई दे रही थी, कुछ पैरों के ना भागते हुए कदमों के आवाज़ भी सुनाई दे रहे थे। और ये सुन के ना जाओजान जितना जल्दी पॉसिबल हो सके, जितना फास्ट पॉसिबल हो सके, उस रस्सी को पकड़ के नीचे खिसकने लगते हैं। और वो रस्सी जो इतना मतलब होता है ना सख्त सा होता है कि उनके हाथ कई जगह कट भी जाते हैं, पर जाओजान उस चीज़ को ध्यान नहीं देते कि उनके सॉफ्ट हाथ के जो फ्लैश है ना, जो हाथ सॉफ्ट सॉफ्ट हाथ है वो कट जा रहे हैं। और आधे रस्ते होते हैं ना तभी जाओजान को सुनाई देता है कि मतलब जल्दी आइए, नीचे से एक आवाज़ सुनाई देता है। और जाओजान जितना जल्दी हो सके नीचे फिर से लुढ़कने लगते हैं, पहले से और ज़्यादा फास्ट में मतलब नीचे खिसकने लगते हैं। जैसे थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं उनको फील होता है कि उनके कमर को यानी कि हिप्स वाले एरिया को पीछे से किसी ने पकड़ा है, और बहुत टाइटली पकड़ा है, यानी कि वांगीबो जो है उन्होंने उसके कमर को पकड़ के उसको नीचे उतारने का कोशिश कर रहे हैं। और ये टच से ना जो जाओजन नीचे आ रहे होते हैं ना थोड़ा स्टिफन हो जाते हैं, फिर से रुक जाते हैं, क्योंकि उनको इतना इंटीमेटली टच सच में किसी ने नहीं किया था, स्पेशली उनके जो एस होते हैं या बम होता है उसको, और जो उन्होंने कमर में पकड़ा होता है ना इंटेंशनली, ऑब्वियसली नहीं है, अनइंटेंशनली ही होगा, मतलब जावजन सोच रहे होते हैं कि जब उन्होंने पकड़ा है वांगी बोल ने तो उसके पूरे कमर को अच्छे से फिर सहारा दे के पकड़ा है, और उसके कमर के ना सॉफ्ट फ्लैश को वो बिल्कुल ऐसा लग रहा था ना उसके हाथ के हथेलिया में ना मतलब होता है ना पकड़ा, वो स्क्वीज करके पकड़ा है, और मतलब उसको नीचे उतारने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे ही उसको नीचे पकड़ के कमर से उतार लेते हैं, मतलब जावजन थोड़ा सा अपने पैरों में खड़ा होता है, और उसके फेस ना फिर से ऑकवर्डनेस की वजह से या शर्म की वजह से ना बर्न करने लगता है। ये फर्स्ट टाइम था ना जावजान के ऐसे इंटीमेट टच को महसूस करते हुए, पर जावजान को भी पता है कि एक्सीडेंट है क्योंकि वो जल्दी में है। अब जावजान फिर से दोबारा बोलने की कोशिश करते हैं कि व्हाट्स गोइंग ऑन, तभी वांगी वो फिर से अपना सर हिलाते हैं, बोलते हैं कि अभी कुछ टाइम नहीं है योर हाइनेस, मैं कुछ एक्सप्लेन कर पाऊँ, हमें यहाँ से अभी तुरंत निकलना पड़ेगा, बोल के फिर से दोबारा जो होते हैं ना वांगी वो अपना हाथ बढ़ा के होते ना जाओजान को पकड़ लेते हैं, उनके हाथ को पकड़ लेते हैं। मतलब जाओजान भी होता ना घबराहट में, वो भी मतलब होता ना तुरंत ही वांगीबो का हाथ पकड़ लेता है, क्योंकि वो भी घबराया हुआ होता है क्योंकि उसको कुछ समझ में तो आ नहीं रहा होता है। जाओजान और थोड़ा घबरा जाता है जब देखता है कि उनके रूम से जो ऊपर वाला रूम है खिड़की से ना अब रोशनी आने लगी है, और लाउड वॉइसेस सुनाई दे रहे हैं, चिल्लाने का आवाज़ सुनाई दे रहा है। और वो फिर मतलब जावजन ऊपर देखते हैं, फिर अपने कंट्री यार्ड में बाहर ऐसे आंगन में देखते हैं, तो देखते हैं वहाँ पे एक भी गार्ड नहीं है, और जो बिल्कुल ही नॉर्मल नहीं है, क्योंकि यूजुअली भी ना उनके रूम के बाहर मतलब चार हट्टे कट्टे जो होते हैं ना सैनिक होते हैं, लंबे चौड़े से सैनिक खड़े रहते हैं, और ये महल के हर जगह ही होता है और उनके रूम के सामने भी होता है, पर अभी एक भी गार्ड नहीं है। ये देख के ना जावसन थोड़ा सा डर जाते हैं, बोलते क्या हो गया है, मतलब उनको कुछ सिचुएशन समझ में नहीं आ रहा, ऊपर से वांगी बो भी कुछ बता नहीं रहे होते हैं। ये बोल के ना वांगी बो की तरफ देखते हैं, और मतलब जो अभी ये सब प्रोसेस हो रहा है कि ये जो निकल के जा रहे हैं, उसी मोमेंट में ना जावसन ये सब चीज़ें अपने दिमाग में सोच रहे होते हैं, और फिर वो ये भी सोच रहे होते हैं कि जो वांगी वो उनका पर्सनल गार्ड है वो ना बाकी हट्टे कट्टे सैनिकों से बिल्कुल अलग है, वो लोग जो सैनिक है ना वो एकदम हट्टे कट्टे लंबे से एकदम 7-7 फीट के लंबे से हैं, और काफ़ी बॉडी वगैरह है, और जो वांगी वो है ना वो उनके कंपैरिजन में मतलब काफ़ी हाइट में छोटा है, इवन वो तो हाइट में ना जो प्रिंस है प्रिंस जाओजान से भी थोड़ा छोटा है, पर
कितना फियर से है बैटल में, कितना मतलब उतना स्ट्रांग है एज ए बॉडी गार्ड या एज ए सैनिक ना, उन्होंने खुद को साबित किया होता है। वांग यिबो ने खुद को साबित किया होता है इस चीज़ को, वांग यिबो ने, क्योंकि वांग यिबो जो है ना, उन्होंने खुद से ही जो प्रीवियस जो गार्ड्स होते हैं, बॉडी गार्ड से कैप्टन होते हैं, उसको चैलेंज किया होता है इस पोजिशन के लिए, और उनको ना चैलेंज करके उसको हराया होता है। ब्रूटल जो फाइट होती है, इतना ब्रूटल होता है ना कि जो प्रीवियस कैप्टन होते हैं उनके हाथ पैर टूट जाते हैं और उनके कंधे पे डिसलोकेट हो जाते हैं, और मतलब पूरा जो क्राउड होता है जो उस लड़ाई को देख रहा होता है, वो सब देख के ना मतलब आश्चर्य हो जाते हैं कि देखने में तो दुबला पतला लगता है पर ये गार्ड कितना स्ट्रांग है। उसके बाद ना उनको मतलब होता है ना क्राउन प्रिंस जाओजान का पर्सनल गार्ड का कैप्टन बनाया जाता है, जो उनकी टीम होती है गार्ड की, उनकी सिक्योरिटी की टीम होती है, उसका कैप्टन बनाया जाता है। और जब वांग यिबो इस कैप्टनशिप के लिए अप्लाई कर रहे होते हैं ना, तब जाओजान खुद भी सरप्राइज होते हैं, क्योंकि उनके बीच में एक ऐसा हिस्ट्री है कि मतलब जो वांग यिबो आ रहे हैं इस पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं ना, जाओजान उसके लिए भी थोड़ा सा सरप्राइज्ड होते हैं। ऊपर से जब वो 5-6 साल पहले जब जाओजान ने वांग यिबो को देखा था, और मतलब जब उसको लास्ट टाइम देखा था, यानी कि जब जाओजान वांग यिबो ने एक दूसरे को सबसे लास्ट टाइम देखा था उनके बचपन में देखा था, उस समय ना वांग यिबो पतले दुबले से सॉफ्ट से पर्सन थे, एक बॉय थे, और जब अभी देखा होता ना वो काफ़ी लंबे हो गए होते हैं जब उनके प्रीवियसली देखा था उसके कंपेरिजन में, और मतलब हट्टे कट्टे हो गए, मसल्स बन गए होते हैं, और कितने स्ट्रांग होते वो तो उन्होंने खुद ही उस फाइट में प्रूव करके दिखाया था। इसीलिए जब किंग और क्वीन मना करते हैं कि नहीं इनको नहीं बनाना है, क्योंकि उनके बीच में रिलेशनशिप ना कुछ पास्ट में ऐसा कुछ हुआ था कि किंग और क्वीन ना वांग यिबो को अपना कैप्टन नहीं बनाना चाहते थे, तब जाओजान ने ना खुद से ही आगे बढ़ के उसको कैप्टन बनाया था, क्योंकि उसने उसको ये हक मिलता है, उसने ऑलरेडी प्रीवियस कैप्टन को हरा के इस पोजिशन को जीता था। इसलिए ना जाओजान जो क्राउन प्रिंस होते हैं वो ना मतलब अपने पेरेंट्स के खिलाफ जाके भी उनको जो उनका हकदार पोजीशन होता है उसमें उसको अपॉइंट ज़रूर करते हैं। और पिछले 5 सालों में वांग यिबो जो कितने अच्छे, कितने कैपेबल कैप्टन हैं उनकी टीम के, उन्होंने प्रूफ करके दिखाया होता है वांग यिबो ने अपने मतलब होता है ना अपने काम से इस चीज़ को प्रूफ करके दिखाया होता है कि जाओजान का डिसीजन जो है गलत नहीं था। जाओजान ये सब सोच के आगे बढ़ रहे होते हैं, तभी ना उनका जो ख्याल है, जो ये सब सोच रहे होते हैं, वो ख्यालों से ना कुछ घोड़े का आने का आवाज़ सुनते हैं, और वो ख्यालों से बाहर निकल जाते हैं, और सामने देखते हैं ना एक घोड़ा खड़ा है, और जो कैप्टन वांग यिबो है उसके कानों में कुछ कुछ फुसफुसा के बोल रहे हैं, उसको काम करने का कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद क्या होता है, वांग यिबो घोड़े को पास लेके आते हैं जाओजान के, और उसके सामने ना जाओजान के सामने नील डाउन हो जाते हैं और अपना हाथ बढ़ाते हैं और बढ़ा के बोलते हैं कि आप इस पे ऊपर चढ़िए। ऐसा पोजीशन होता है किंग को ना, मतलब किंग या क्राउन प्रिंस को ऐसे ही घोड़े पे चढ़ाया जाता है। तो नील डाउन होके वो हाथ बढ़ा के बोलते हैं कि योर हाइनेस, मतलब इशारा कर रहे होते हैं कि आप चढ़िए। तब जाओजान ना वांग यिबो की तरफ देखता है और मतलब देख के पूछता है कि तुम्हारे बारे में क्या, मतलब तुम क्या करोगे, क्योंकि वो अपने आप से तो यहाँ से भाग के कहाँ जाएंगे उनको कुछ पता नहीं होता है, ऊपर से उनको कुछ पता भी नहीं है अभी तक कि क्या हो रहा है, क्या इंसिडेंट्स हो रहे हैं, तो उनको थोड़ा सा घबराहट हो रही थी। इसलिए वो जाओजान से, जो जाओजान है ना वांग यिबो से पूछ लेते हैं कि तुम्हारा क्या। इनकी बात सुन के ना जाओजान थोड़ा सा स्माइल करते हैं, ये यूजुअल स्माइल नहीं है उनका जो मतलब जाओजान बचपन में जानता था, पर एडल्ट होने के बाद इतना ही देखना एक स्माइल के बराबर ही है उनके लिए, है ना। तो जो भी हो, तो वो थोड़ा समय के लिए डिस्ट्रैक्ट होते हैं, फिर डिस्ट्रैक्शन मेमोरीज को ना हटा के बोलते हैं, मतलब हटा देते हैं। तभी जो गार्ड कैप्टन है यानी कि वांग यिबो है, वो बोलते हैं कि मैं भी आपके साथ आ रहा हूँ, चलिए। ऐसा बोल के ना जाओजान जो है घोड़े पे सवार हो जाते हैं, और जो वांग यिबो होता है ना एक झटके से ही जो होता है ना वो घोड़े के पीछे खड़े हो जाते हैं, यानी कि उसके पीछे खड़े होके बैठ जाते हैं, उस घोड़े में ही दोबारा चढ़ जाते हैं। और ये देख के ना जाओजान कन्फ्यूज हो जाते हैं, बोलते हैं कि क्या हम कहीं दूर नहीं जा रहे हैं। और फिर ये भी देखते हैं ना कि वांग यिबो जो है यूजुअल अपने कपड़ों में जो होता है ना एक गार्ड का जो आर्मर वगैरह पहना होता है लोहे का, वो सब में नहीं है, वो नॉर्मल सॉफ्ट मतलब जो होते हैं ना घोड़े सब घुड़सवारी वाले कपड़ों में है, ऐसे लड़ाई वाले कपड़ों में नहीं है। ऊपर से जो ये वाले घोड़े होते हैं ना, ये घोड़े जो होते हैं ये दो आदमी को ना लॉन्ग डिस्टेंस में ले जाने के लिए नहीं बने होते हैं, ये घोड़े लड़ाई के लिए अच्छे होते हैं,
पर ये दो आदमी को ज्यादा दूर तक ले नहीं जा सकते। ये सिंगल राइडर को मतलब होता है ना, सवारी करने के लिए होते हैं और लड़ाई के लिए होते हैं। और ऊपर से जो मतलब होता है ना, ये देख के जावजन थोड़ा सा कंफ्यूज होता है। जावजन का भी मोस्ट, जावजन को ना बहुत ज्यादा मिलिट्री ट्रेनिंग नहीं दी गई है, पर उनको बेसिक जो मिलिट्री ट्रेनिंग है, तो जो जावजन होते हैं वो मतलब इबो को देख के थोड़ा सा समझ जाते हैं कि हाँ, ये लोग लॉन्ग डिस्टेंस नहीं जा रहे हैं, क्योंकि उनको जो बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग दी गई होती है ना, उसी में उनको पता चल गया होता है कि हाँ, मतलब ये जो मतलब जो कुछ भी हो रहा है, ये आसपास ही कुछ हो रहा है इसकी वजह से, वरना लॉन्ग राइड के लिए ये नहीं होता। और जो जावजान होते हैं, आप सोचोगे कि जावजान है एज ए क्राउन प्रिंस, उनको बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग क्यों दी गई है, उनको तो लड़ाई में बिल्कुल सक्षम होना चाहिए। पर क्या होता है ना, जो जावजान के पेरेंट्स होते हैं ना, उनका मानना होता है कि उनके सॉन को ना अपने हाथों में ना ऐसे तलवार उठा के हाथ सख्त नहीं बनाना है, अपने दिमाग को मजबूत बनाना है। उनके पेरेंट्स ने ना एक दिमाग जो होता है ना, ब्रेन को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया है। उन्होंने जावजन को बचपन से यही सिखाया है कि जो उनके सोल्जर्स हैं वो उनके लिए जो फोर्स लगा के लड़ाई करेंगे। जावजन का काम होना चाहिए स्ट्रेटेजी बनाना, अपने दिमाग को यूज़ करना। इसीलिए ना जावजन जो है, बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग के बावजूद भी फिजिकली जो होता है ना, किसी और पे हमेशा डिपेंडेंट रहते थे, पहले उनके गार्ड्स पे और अभी इस मोमेंट में उनके गार्ड्स का जो कैप्टन है उनके ऊपर डिपेंडेंट है। होता है घोड़ा चलने लगता है और वांग यिबो फिर से उनके कान में बोलते हैं जाओजन के कि अब हमें निकलना होगा योर हाइनेस, बोल के ना वो जाओजन के कमर में टाइटली पकड़ लेते हैं और एक हाथ से ना घोड़े की मतलब जो होता है ना लगाम जो होती है उसको पकड़ लेते हैं, और धीरे धीरे घोड़ा जो है ना वो मतलब दौड़ना शुरू कर देता है। और मतलब जाओजन बोल रहे होते हैं कि टाइट से पकड़ के रखिएगा योर हाइनेस, बोल के ना उन्होंने घोड़े को एक जोर से लगाम खींची होती है और घोड़ा बिल्कुल स्पीड से भागने लगता है। और जैसे घोड़ा भाग रहा होता है, जावजन पीछे मुड़ के देख रहे होते हैं अपने कैसल को, अपने महल को, और देख रहे होते हैं पूरा महल में ही लाइट जल गया है, जो लैंटर्न्स हैं जल गए हैं, और खिड़की से ना कुछ लोगों का ना मतलब जो होते हैं ना परछाइयाँ दिख रही हैं। और पर सरप्राइजिंगली किसी मतलब होता है ना, जो तलवारें चल रही हैं उसका आवाज़ बिल्कुल नहीं सुनाई दे रहा होता है, पर हाँ कुछ शाउटिंग का आवाज़ बैकग्राउंड में आ रहा होता है, पर जो क्या है वो समझ में नहीं आता है, क्योंकि घोड़ा भाग रहा होता है और घोड़े भागने के ना घोड़े के कदमों की आहट में ये सब चीज़ें ना दब गई होती हैं। और मतलब घोड़ा बहुत फास्ट भागता है और इधर उधर तिरछे आए बाएं ऐसे घूम घूम के ना वह जंगल की तरफ भागने लगता है। मतलब अब वो सड़क से ना, जो सड़क होती है सड़क से जंगल की तरफ जा रहे हैं, और अंधेरा होता है, ऊपर से घोड़ा इतना दाएं बाएं घूम रहा होता है कि जावजन को समझ भी नहीं आ रहा होता कि कहाँ जा रहे हैं वो लोग। और ऐसे काफ़ी समय तक वो लोग मतलब दौड़ मतलब घोड़े में सवार होके भागते हैं। फिर उनके सामने ना घोड़ा थोड़ा सा स्लो डाउन होने लगता है। स्लो डाउन होता है ना, तब जावजन को समझ में आता है कि जहाँ उनको पहुँचना था, जो स्पेसिफिक डेस्टिनेशन था वांगीबो के दिमाग में, वो लोग वहाँ पहुँच चुके हैं। फिर जब घोड़ा रुक जाता है तो जो कैप्टन होते हैं, यानी कैप्टन वांग यिबो होते हैं, वो घोड़े से नीचे उतरते हैं, उतर के ना अपना हाथ ऐसे आगे बढ़ाते हैं कि उतर जाइए आप भी। और जो जावजन होते हैं वो मतलब क्या करें, उनको तो ऐसे भी ऑब्वियस तरह सब सेम फील हो रहा होता है, क्योंकि वो वांग यिबो ने उनके कमर में पकड़ के इतने समय उनको मतलब राइट किया होता है कि उनके कमर में ना अभी भी वांग यिबो के हाथ का जो वॉर्म है ना वो महसूस हो रहा होता है। वो ऑलरेडी थोड़ा सा रेड फील मतलब पिंक फील कर रहे हैं, शाई फील कर रहे हैं, ऊपर से अभी हाथ बढ़ाया है, तो फिर क्या करें, उनको उतरना है। फिर वो हेजिटेंटली ना वो हाथ बढ़ाते, हाथ को पकड़ते हैं और हाथ को पकड़ के ना नीचे उतर जाते हैं। और जो वांगीपो है ना, उतरने के बाद भी उनका हाथ नहीं छोड़ता है, उनको हाथ का पकड़ के उनको केव में कहीं ले के जा रहे होते हैं। और जो केव है ना, वो कैसे पता चल रहा है केव है, क्योंकि जहाँ घोड़ा खड़ा था वहां से बिल्कुल कुछ नहीं दिख रहा होता है, पर जैसे कुछ कदम आगे बढ़ते हैं ना उनको केव दिखने लगता है, पर केव का एंट्रेंस नहीं दिख रहा होता है। फिर भी अंधेरे में वो किसी तरह जावजन जो है वांगीबो का हाथ पकड़ के थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और कुछ कदम आगे बढ़ते हैं तो उनको दिखता है कि हाँ, एक केव जरूर है और उसका एंट्रेंस भी दिख रहा है, मतलब बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा, बस वो वांगीबो के हाथ में छोटा सा टॉर्च होता है ना, उसी से जो केव का एंट्रेंस उनको दिख रहा था। फिर क्या करते हैं, कुछ मिनट तक और चलते हैं और उसके बाद जाके ना केव के अंदर वो पहुंच जाते हैं। अब जब वो केव के अंदर पहुंच जाते हैं तो मतलब जो जावजन होते हैं ना, उनके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस घूम रहे होते हैं, उनके ना मतलब जबान में भी क्वेश्चंस होते हैं कि उन्हें पूछना, उनसे रहा नहीं जा रहा है, क्योंकि
फिर भी वो वेट करते हैं और वांगीबो को देख रहे होते हैं। और वांगीबो जो है ना, जो अपने साथ घोड़े में कुछ बैग लाए थे, उन्हीं के घोड़े के जो बैग्स हैं, बैग से निकाल के ना वहाँ पे मतलब होता है ना लकड़ी जलाने का और जो भी कुछ सप्लाईज उनको जरूरत थी ना वो सब सेटल कर रहे होते हैं। फिर जाउजन देखते हैं कि वांगीबो जो है कुछ लकड़ियों को इकट्ठा करके और उसको आग जला रहे हैं। और ये आग जलाता हुआ देख के ना जाउजन फिर से ख्यालों में खो जाते हैं और उनको ये याद आता है कि बचपन में कैसे वो इसी यंग बॉय के साथ मतलब ऐसे ही कैंपिंग में आए थे। और जो ये यंग मैन है, जो यंग मैन है यानी कि वांगी वो है, ये ना उनकी जो मदर होती हैं क्वीन मदर की पर्सनल मेड का ओनली चाइल्ड है। और मतलब जाउजन का सोच लो ओनली फ्रेंड है बचपन का। क्या होता है ना कि ऐसा नहीं है कि महल में बच्चे नहीं थे, महल में बहुत सारे बच्चे थे, दास दासियों के बच्चे बहुत लोग थे, पर कोई भी ना जाउजन को अप्रोच नहीं करता था क्योंकि एक क्राउन प्रिंस थे, उनसे सब डरते थे। ओनली जो वांगी वो है ना वही थोड़ा सा फियरलेस था, वो डरता नहीं था। और वो बचपन से ही ना मतलब जाउजन को देख के अपना जो टूटे हुए दांतों से टूथलेस ग्रिन जो होता है ना, एक बड़ी सी स्माइल देता था और क्यूट क्यूट आंखों से ना उनको देखता था। और उनको मतलब होता ना अब आगे बढ़ के उसने मतलब जाउजन से दोस्ती की थी, तो इसीलिए ना जाउजन के बचपन का ओनली फ्रेंड जो होता है वो इबो होता है। फिर जाउजन को याद आने लगता है कि ये जो लड़का है जो उससे 3 साल छोटा है, ये जब फर्स्ट टाइम जो जाउजन से मिला था ना तब ये 6 ईयर्स का था। और जाउजन को बिल्कुल उनका फर्स्ट मीटिंग अच्छे से याद है। ऊपर से जब वो धीरे धीरे मतलब बड़े हो रहे थे साथ में और उनको ना हर एक चीज़ जो है ना वांगीबो के साथ जुड़ी हुई सब याद है, क्योंकि जब तक वो छोटा सा क्यूट सा बच्चा जिससे वो 6 साल की उम्र में मिले थे, जब तक वो बच्चा 9 ईयर्स का होता है वो बहुत बदमाश बच्चा बन गया होता है। और जाउजन को बिल्कुल उसका सारा जो हंसी है या जो भी उन्होंने फॉरेस्ट में खेलना भागना दौड़ना सब कुछ याद आ रहा होता है। और कैसे ये जो लड़का है एकदम दांत खोल के ज़ोर ज़ोर से हंसता था, वो सब चीज़ें ना जाउजन को याद आ रही होती हैं। जाउजन बचपन से थोड़ा सा ना मतलब बचपन में थोड़ा सा क्या बोलते हैं अपनी ही मनमर्जी करने वाले थे। जब उनको साथ उनके साथ खेलने के लिए रॉयल्टी के जो मिनिस्टर्स होते हैं बड़े बड़े या बड़े बड़े लोगों के बच्चे आते थे ना, वो उनके साथ खेलना पसंद नहीं करते थे क्योंकि उनके साथ जो गेम खेलते हैं ना वो जाउजन को मज़ा नहीं आता था। उनको ये सर्वेंट के बच्चे जो हैं उनके साथ खेलना या इनकी जो वांगीबो इनके साथ खेलना ना उनको बहुत ज़्यादा ही पसंद था कि वो खुल के एक बचपन वाला गेम खेल पाते थे। और इसे और जाउजन को ना बचपन में आदत भी था कि वो इतने पैम्पर्ड थे कि मतलब वो अपनी मर्जी से ही चीज़ें करते थे। उनकी मम्मी मना भी करती थी ना जो क्वीन मदर है, फिर भी वो चीज़ को बार बार करते थे। और एक बार क्या होता है ना, उनकी मदर ने ऐसे ही उनको बोला होता है कि आज एक स्टेट डिनर है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एज ए क्राउन प्रिंस उनको अटेंड करना पड़ेगा। पर जो जाउजन होते हैं उन्होंने इस चीज़ को नहीं ध्यान दिया होता है। इसीलिए जब उस डिनर के बाद कुछ घंटों बाद वो जंगल से खेल के बिल्कुल अंधेरे में वापस आते हैं ना, तो वापस आ के देखते हैं कि वहाँ पे कुछ सोल्जर्स खड़े थे, सैनिक खड़े थे, और वो दोनों लड़कों को यानी कि वांगीबो और जाउजन दोनों को खींच के और जो जहाँ पे बंदी बना के रखते हैं ना वहाँ पे डोंगांव्स जो होते हैं एक अंधेरी सी मतलब थोड़ी सी मतलब होता ना डरावनी सी जगह, वहाँ ले गए होते हैं। और ये देख के ना जाउजन वांगीबो दोनों घबरा जाते हैं। जाउजन भले ही 12 ईयर्स के थे और मतलब वांगीबो 9 ईयर्स के थे, फिर भी उन लोगों ने इतनी दुनिया तो देखी नहीं होती है तो इनको पता नहीं होता है क्या होता है, इसलिए दोनों घबरा जाते हैं। और मतलब वांगीबो उनसे छोटा है ना, फिर भी जाउजन का घबराहट देख के उनको कम्फर्ट कर रहा होता है और बोलता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा मेरे प्रिंस, आप शांत रहिए। और जाउजन जो होते हैं ना वो उसको बिलीव करना चाहते हैं उसकी बातों से, पर उनके मन में नहीं कुछ गलत सा फीलिंग आ रहा होता है, कुछ डर लग रहा उनको होता है, इसलिए वो गार्ड्स की तरफ देखते हैं। और जो गार्ड्स है ना वो मतलब इबो की तरफ या जाउजन की तरफ बिल्कुल नहीं देखे होते हैं, वो मतलब अपनी नज़रें झुका के दूर कहीं देखे खड़े हुए होते हैं। और जाउजन जो होते हैं ना अभी इसी सब ख्यालों में डूबे हुए हैं कि कुछ होगा, कुछ बुरा होगा, क्या हो रहा है। और उनके कानों में ना कॉन्स्टेंटली ईबो का जो उनको शांत करने वाला आवाज़ सुनाई दे रहा होता है, पर उनको रजिस्टर नहीं हो रहा होता है कि क्या बोल रहा है ये, क्योंकि उनके इसके कान में बस हल्की फुल्की आवाज़ सुनाई दे रही होती है कि ऑलवेज मैं आपका आर्मर बन के आपके साथ खड़ा रहूँगा, आपको प्रोटेक्ट करूँगा, आपका शील्ड बनूंगा। ये सब चीज़ें उनको कान में घुस रही होती हैं, उनके हार्ट बीट इस सब चीज़ों से ना बढ़ रही होती है,
और जो एग्जैक्ट वर्ड्स है ना वो रजिस्टर नहीं कर पा रहे होते जावेदन, क्योंकि वो ऑलरेडी डर गए हैं, उनको समझ में आ रहा है कुछ तो बुरा होने वाला है। और सही ऐसा ही होता है। कुछ समय बाद ना जो क्वीन मदर होती हैं वो आती हैं और एकदम फॉर्मल पूरा क्वीन के ड्रेस में जो होता है ना डिनर पार्टी के बाद आके उनके सामने खड़ी होती हैं। अब जावजान जो होता है ना उनको देख के उनकी तरफ जाने की कोशिश करता है, पर गार्ड्स जो होते हैं ना आके जावजान को दोनों हाथों से पकड़ लेते हैं दोनों साइड से, और जावजान खुद को छुड़ाने का बहुत कोशिश करता है। पर क्या होता है ना, मतलब जो गार्ड्स होते हैं ना अपना पकड़ को छोड़ते नहीं हैं, और मतलब जब देख रहे होते हैं कि जावजान ज़्यादा ही रेजिस्ट कर रहे हैं, गार्ड्स थोड़ा सा होता है ना हल्का छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, तभी क्वीन मदर अपने हाथ से इंडिकेट करती है कि इनको ज़्यादा ज़ोर से पकड़ के रखो। उसके बाद में वो आती हैं और अपने फिंगर दिखा के जावजान के ऊपर चिल्ला के बोलती हैं कि मैंने तुम्हें वार्न किया था आजान कि ये डिनर बहुत इम्पोर्टेंट है, तुम्हारे फादर को लोगों के सामने हज़ारों एक्सक्यूज देने पड़े क्योंकि तुम वहाँ पे प्रेजेंट नहीं थे, ये बहुत ज़्यादा ही डिसरेस्पेक्टेड था। अब जावजान के अंदर ना बहुत खतरनाक डर गया होता है, डर मतलब आ गया होता है, वो डर के मारे आई एम सॉरी बोलता है, मतलब कांपते हुए स्वर में बोल रहा होता है आई एम सॉरी, और फिर बोलता है कि मैं ऐसा दोबारा नहीं करूँगा। पर जो इस बात को सुन के ना मतलब क्वीन जो मदर हैं वो थोड़े से दुखी एक्सप्रेशन के साथ बोलती हैं कि तुमने पहले भी कहा था आजान पर तुमको उसका सबक नहीं मिला, अब तुमको ना इसका फल भुगतना पड़ेगा तभी तुमको समझ आएगा। और ये बोल के ना ये गार्ड्स की तरफ नॉट करती हैं, कुछ इशारे से बताती हैं, और गार्ड्स जो होते हैं ना वो जावजान को और टाइटली पकड़ लेते हैं। और जावजान के दिमाग में उस समय में ऐसा दौड़ रहा होता है ना कि ज़रूर इनको अभी वॉल में पुश किया जाएगा और उनको व्हिप से जो और मतलब जावजान को लग रहा होता है क्योंकि कोड़े मारे जाएंगे बहुत ज़्यादा, इसलिए ना वो डर के मारे क्वीन के बड़ी बड़ी आंखों से क्वीन को देख रहे होते हैं। और जो कोड़े मारे गए होते हैं वो सिर्फ जावजान क्यों नहीं बल्कि जो उसका यंग फ्रेंड वांगी वो होता है उसको भी मारे जाते हैं। और जब एक घंटे बाद क्वीन उनको कोड़े मरवाना बंद करती हैं, जावजान का चिल्ला चिल्ला के उनका गले का आवाज़ एकदम बैठ गया होता है, और जो उनका फ्रेंड होता है यानी कि वांगी वो होता है बिल्कुल होश में नहीं होता, बेहोश हो गया होता है। और उस रात के बाद उन सब के बीच में जो चीज़ें चेंज हो गई हैं वो दोबारा पहले जैसा कभी नहीं हो सकता, और इबो उस दिन के बाद 2 दिन तक होश में नहीं आता है। जब जो होते हैं ना प्रिंस जो जावजान होते हैं वो 2 दिन तक वांग इबो का ध्यान रखते हैं, पर वो गार्ड्स से जो होते हैं ना सर्वेंट से प्रॉमिस भी लेते हैं कि जो जावजान इसका ध्यान रख रहे हैं उसको क्लीन कर रहे हैं बैंडेजिंग कर रहे हैं होता ना उसको क्रीम लगा रहे हैं मलहम लगा रहे हैं ना ये सब चीज़ें किसी को नहीं बोला जाए, ये सब चीज़ें ना रूम के बाहर नहीं जानी चाहिए। इसीलिए ना मतलब जब थोड़े थोड़े से वांगीबो को होश आने लगता है वो तुरंत जो जावजान है वहाँ से भाग जाते हैं, और उसके बाद से ना वो हर ओकेशन में ना वो वांगीबो को देख के उसको बिल्कुल अवॉइड करते थे। और उसके बाद वो जो उसको देख के वांगीबो को अब उनका फ्रेंडशिप ख़त्म करके उसको अवॉइड करने लगे थे, उसके बाद ना जो जावजान प्रिंस होते हैं उन्होंने वांगीबो को सिर्फ 2 ही बार देखा होता है। एक बार देखा होता है कि कोई सेरेमोनियल डिनर होता है उसमें थोड़ा लेट से जाते हैं तब, और एक बार ना जब उन्होंने मना किया होता है जब नेबरिंग कंट्री के प्रिंसेस आई होती हैं उनसे मिलने के लिए। उसके बाद से वांगीबो को जावजान ने देखा नहीं होता है। तो दोनों बार मतलब जो जावजान ने अपनी माँ की बात को मतलब होता ना अनदेखा किया था, वो दोनों बार का पनिशमेंट क्या होता है कि वांगीबो को दोनों बार फिर से जो होता ना ले जाके कोड़े मारे गए थे, और जो सबसे लास्ट वाला कोड़ा था ना उसमें जो वांगीबो को इतना ज़्यादा मतलब घायल कर दिया गया होता है कि वो मतलब बहुत ज़्यादा ही सीरियस हो जाते हैं। उसके बाद ना जब इबो को होश आता है मतलब इबो जो बेहोश होते हैं ना तभी भी वो जावजान का ही नाम ले रहे थे, उनके शील्ड है उनकी रक्षा करेंगे ये सब बोल रहे होते हैं, पर वांग इबो का ये हालत ना जावजान से देखा नहीं जाता है। इसलिए जैसे ही इबो को होश आते हैं ना जावजान अपने पेरेंट्स के पैरों में गिर जाते हैं, और गिर के ना ऐसे उनके बैगिंग करने लगते हैं, ऐसे रिक्वेस्ट करने लगते हैं कि प्लीज़ इबो को यहाँ से भेज दिया जाए। अब वो उनको कोई मतलब अपनी ड्यूटी के लिए एनकरेजमेंट नहीं चाहिए, मतलब कि ऐसा कोई पनिशमेंट नहीं चाहिए कि वो मतलब होता ना कि उनको धमका के काम किया जाए,
तो वो उस चीज़ को ऐसे बोलते हैं कि मुझे कोई एनकरेजमेंट नहीं चाहिए अपनी ड्यूटी निभाने के लिए, आप प्लीज़ इसे भेज दीजिए, मैं जैसे बोलेंगे ना अपनी लाइफ को सब वैसे ही करूँगा। और जाओजान का ऐसा गिड़गिड़ाना देख के ना जो क्वीन होती हैं बहुत स्माइल करती हैं, होता ना अपने एक, और स्माइल करके फिर बोलती हैं कि ठीक है। ये सब जो हो रहा होते हैं उनके किंग पास में खड़े होकर ड्रिंक कर रहे होते हैं, वो बिल्कुल कुछ ध्यान नहीं देते हैं। और जब वांगीबो को भेजा जा रहा होता है, जाओजन अपना ना सीना मजबूत करके उनको देखते भी नहीं है, दूर रहते हैं, पर उनको ना सर्वेंट का सारा गॉसिपिंग सुनाई दे रहा होता है कि कैसे वांगीबो अपनी मम्मी को गले लगा के बहुत रो रहे थे, और कैसे ना जो वांगीबो है उनको नेबरिंग कंट्री का हॉस्टेज बना के भेजा जा रहा है। ये सब सोचते सोचते ना, पास्ट की ये सब सोचते सोचते बातें, जाओजन याद कर रहे होते कैसे उनका छोटा भाई, उनका डीडी जो होता है, कैसे मतलब एनिमी कंट्री के प्रिंस मतलब होते ना उनके कब्जे में था। वो भी उनको याद आता है कि बचपन में जो गेम खेलते थे वो ऐसे गेम खेलते थे ना कि वो साथ में खड़े होके एज ए प्रिंस और उसके गार्ड जो एनिमी के प्रिंस के साथ लड़ रहे हैं, और वो कैसे अपनी लाठियों से ना फाइट करते थे, इनोसेंट गेम खेलते थे, और कैसे ना बचपन में ही इवो ने बैठ के जाओजन के सामने ऐसा प्लेज लिया होता है वो जाओजन की और अपने देश की रक्षा करेगा। और ये सब बातें ना जाओजन को अभी इस मोमेंट में जब इवो लकड़ी जला रहा है बाहर कैंपिंग के लिए, कैंप के अंदर उसके मतलब केव के अंदर, जाओजन को सारी बातें याद आ रही होती हैं। और ये मतलब बातें याद करके, उनके बचपन के ये हिस्ट्री को याद करते करके ना जो जाओजान होता है ना, उसके मुंह में एक अजीब सा खट्टापन, एक दुख वाला फीलिंग जो आता है ना वो आ रहा होता है। तो चलिए फ्रेंड्स, इस पार्ट को हम यहीं ख़त्म करते हैं। हम नेक्स्ट पार्ट को मैं बहुत ही जल्दी लेके आऊँगी, है ना, ये वन शॉट है तो 2 या 3 एपिसोड में ही ख़त्म हो जाएगा। आप लोग बताना आप लोग को ये स्टोरी मतलब ये वाला पार्ट कैसा लग रहा है। अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, है ना, और नीचे कमेंट्स भी देना कि आपको कैसा लग रहा है ये स्टोरी। और आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि सब्सक्राइब करोगे तभी तो मैं मोटिवेट होंगी और भी जो होते हैं ना अच्छे अच्छे स्टोरीज लेके आऊँगी यार। तो जिन्होंने भी नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। ओके देन।